दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो तरीका बताया है, इस तरीके का इस्तेमाल करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि किसने आपका फ़ोन चुराया है और उस चोर की रियल लोकेशन क्या है। मतलब रियल टाइम लोकेशन आपके फ़ोन पर आती रहेगी, आपकी मेल आईडी पर आती रहेगी। दोस्तों, फ़ोन चोरी होने जैसी प्रॉब्लम का सामना तो हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। या तो कभी ना कभी हमारा स्मार्टफोन चोरी हुआ होगा, या फिर हमारे किसी दोस्त का, या फिर किसी रिलेटिव का। उस केस में लोग ये करते हैं कि जहाँ पर उनका स्मार्टफोन चोरी होता है उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट लॉक करवाते हैं कि हमारा स्मार्टफोन चोरी हो गया है। उसके बाद वो जो कंप्लेंट है वो पड़ी रहती है सरकारी कागज़ों में, और उसके बाद आपका फ़ोन कभी नहीं मिलता है। मतलब 99% चांसेस नहीं होते हैं आपका फ़ोन मिलने का, सिर्फ 1% चांसेस होते हैं कि आपका फ़ोन मिल जाए। अगर आप सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, आप बहुत अच्छी पहुँच रखते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका फ़ोन मिल सकता है। अदरवाइज़ आपका फ़ोन किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके फ़ोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो कि कौन चोर है और उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है। इवन आपका फोन स्विच ऑफ होगा उसके बाद भी आप पता लगा सकते हो। दोस्तों, फुल टेक्निकलिटी से भरा हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में क्विट मत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर आपको मिलते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, मैं हूं एक आईटी प्रोफेशनल, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉक करवाएंगे, तब आप पुलिस को चोर का फोटोग्राफ भी दे सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकते हैं कि किसने आपका फोन चुराया है। दोस्तों, अगर आपका फोन आपके किसी जानने वाले ने चुराया है तो उसका फोटो देखकर तो आप पहचान ही लेंगे, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका फ़ोन किसी अननोन पर्सन ने चुराया है तो आप पुलिस स्टेशन में जा करके उस फोटो के साथ, उस रियल टाइम लोकेशन के साथ कंप्लेंट लॉक करवा सकते हैं। उसमें बहुत बेटर तरीके से पुलिस आपकी जो रिपोर्ट है उस पर एक्शन ले पाएगी, और हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत आसानी से मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैकेफी एंटीवायरस के बारे में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट थेफ्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा एंटीवायरस है और थेफ्ट प्रोटेक्शन के साथ आता है। मतलब पूरी तरह से आप इस एंटीवायरस को ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एंटीवायरस का भी काम करता है और आप लोगों के लिए थेफ्ट प्रोटेक्शन भी करता है, मतलब आपके फ़ोन को चोरी करने से बचाता है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पर तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैकेफी में यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए, इंस्टॉल हो रहा है हमारा एंटीवायरस, और यही हमें प्रोटेक्शन देगा, थीफ की एग्जैक्ट लोकेशन हमें प्रोवाइड करेगा, उसका फ़ोटो प्रोवाइड करेगा। इंस्टॉल हो चुका है हमारा एंटीवायरस, इसे ओपन करते हैं। अब आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब हमारी ऐप कॉन्फ़िगर हो रही है। वेट करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको नो थैंक्स पर क्लिक करना है। देन आपको देखिए, सबसे पहले इसे स्टोरेज की परमिशन देनी है, एक्सेसिबिलिटी की इसे परमिशन देनी है, और उसके बाद आपको इसे अलाउ करना है कि जिससे कि ये दूसरी ऐप्स के ऊपर आ सके। देखिए, सबसे पहले सारी परमिशन हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ये हमारे फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। दोस्तों, ट्रस्टेड एंटीवायरस है एकदम, क्योंकि इंटेल ने बनाया है इस एंटीवायरस को। आप इसे डाउट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। देखिए, यहाँ पे मैकेफी आपको सर्च करना है और देन आपको इसे परमिशन देनी है। देखिए, बेसिकली ये तीनों परमिशन मैं इसे प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ सेटिंग में जाना है और साइन इन करना है अपने अकाउंट से। मैं इसका अकाउंट पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसे लॉग इन करता हूँ। आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर परमिशन अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अलाउ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। उसके बाद क्या होगा, देखिए, अब दोस्तों देखिए, इस ऐप में मैं अकाउंट पहले ही बना चुका हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लॉग इन करूँगा। आप लोगों को नया अकाउंट क्रिएट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन ये आपसे मांगता है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। दोस्तों, मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए, इसके बाद ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इस पर नहीं है तो आप यहाँ पर जो देखिए नीचे साइड में लिख करके आ रहा है साइन अप, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है ये आपसे आप डाल देंगे।
उसके बाद ये ऐप जो है वो पूरी तरह से सेटअप हो जाएगी और काम करेगी आप लोगों के लिए। फिलहाल हम साइन इन करते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारी एंटीवायरस ऐप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी मेल आईडी लिख करके आ रही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एंटी थेफ्ट पर आपको क्लिक करना है। एंटी थेफ्ट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे कैमरा की परमिशन लेगा, जिससे कि चोर जब इस फ़ोन को चुराए तो ये उसका फ़ोटो कैप्चर कर सके। इसके बाद ये लोकेशन की परमिशन लेगा, जिससे वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें भेज सके हमारी मेल आईडी पर। देखिए मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब दोस्तों आप कायदे से देखिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर ये GPS ऑन दिखाई दे रहा होगा, ऑटो लॉक ऑफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये थेफ्ट प्रोटेक्शन है, इसे आपको ऑन करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन आपको प्रोवाइड करनी है, जिससे कि ये ऐप कम्प्लीटली कंट्रोल कर सके आपके फ़ोन को। देखिए फिनिश कर दिया मैंने, यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद कितने रॉन्ग एंट्रीज़ के बाद, कितनी पिन की रॉन्ग एंट्रीज़ के बाद आपको थीफ कैम स्टार्ट करना है, उसके लिए है ये। तो आपको यहाँ पर बेसिकली 3 रॉन्ग एंट्रीज़ पर क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑटो लॉक का ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए थीफ क्या करेगा आपके फ़ोन को चुराने के बाद, सबसे पहले या तो वो सिम कार्ड रिमूव करेगा आपका, ठीक है, या फिर एयरप्लेन मोड पर लगाएगा। तो उस मोमेंट पे ये फ़ोन आपका इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा और स्क्रीम करने लगेगा, चीखने लगेगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन को अगर इंस्टेंटली किसी ने चुराया है और इंस्टेंटली एयरप्लेन मोड पे लगाया है, तो वो जब स्क्रीम करेगा ना फ़ोन, डरावनी सी आवाज़ निकालेगा, तो आप पकड़ लेंगे जो भी थीफ है उसे। और दोस्तों अगर वो कहीं दूर ले जाता है, ठीक है, उसके बाद भी और तरह की प्रोटेक्शन ये ऐप आपको देती है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों देखिए इस ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए, यहाँ पर ऑन कर लीजिए। अब देखिए लॉक अलार्म क्या है, लॉक अलार्म वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई, ये जो है तरह तरह से रिंग करेगा, ठीक है, डरावनी आवाज़ें निकालेगा। यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों ये है एयरप्लेन मोड वाला। दोस्तों इसे आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रखें, ऑफ़ रखना चाहते हैं तो ऑन रखें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑन रख लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आपको इरिटेशन हो तो आप ऑफ़ कर लीजिएगा बाद में। इसके बाद आप चेंज लॉक ऑप्शन मैसेज में जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है मैसेज कि जैसे ही ये किसी चोर को मिलती है डिवाइस, तो ये जो है आप जो है इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर मैनुअली फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो चाहें वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, और नीचे लिख दीजिएगा प्लीज़ रिटर्न दिस डिवाइस टू मी इफ़ यू गेट दिस। तो इस तरीके से आप जो है मैसेज यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ मैं इसे। अब हमें यहाँ पर वापस लौट के आना है, बैक चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लगभग हम सारी परमिशन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी ये फ़ोन यानी कि ये जो ऐप है, जब कोई चोर चुराएगा इस फ़ोन को, अभी भी ये उसका फ़ोटो कैप्चर नहीं करेगा, उसका फ़ोटो आपको नहीं भेजेगा। उसके लिए आपको इसे परमिशन देनी है, तभी ये आपका फ़ोटो को कैप्चर कर पाएगा। दोस्तों देखिए थीफ कैम में हम चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम अपने कैमरा को इनेबल करेंगे। नॉर्मल तरीके से कैमरा इनेबल नहीं होता है, बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए आप देख सकते हैं वेब अकाउंट, ये जो है आपका ब्लू कलर का आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये बेसिकली एक हाइपर लिंक है दोस्तों, वेबसाइट पे ले जा रहा है ये हमें मैकेफे की। अब हमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा पिन एंटर करके, जो हमने सेट किया था। दोस्तों ये जो पिन है और जो पासवर्ड है, वो जब आप साइन अप करेंगे मैकेफे की वेबसाइट पर या फिर उस ऐप पर जहां मैंने आपको बताया था, जहां से लॉगिन करना था, मतलब साइन अप करना था, जहां मैंने आपको बताया था, वहीं से पिन भी सेट होता है, वहीं से पासवर्ड भी सेट होता है। तो आप जो है पासवर्ड और पिन जो है एक डायरी में लिख करके रख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने पास, अगर आप भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है। मैं यहाँ पर थीफ कैम को कैसे इनेबल करूँगा वो बता देता हूँ। देखिए थीफ कैम पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, इसके बाद ये हमारा थीफ कैम जो है वो इनेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ये होने में। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो थीफ कैम है वो इनेबल हो चुका है। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। और दोस्तों अब सबसे कमाल की चीज़ होने वाली है। अब मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ इस फ़ोन को,
और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करती है ये ऐप और कैसे चोर का फोटो आता है आपके पास, किस तरह से लोकेशन आती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। उसे देखिए, लॉक कर देता हूँ मैं इसे यहाँ पर। सपोज़ कर लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो चुका है और मैं लॉक कर दिया है मैंने इसे यहाँ पर, ये लॉक का बटन क्लिक करके। क्योंकि जब आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो या तो वो चोर कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा उससे, या फिर देखिए चीखने लगा है ये बहुत बुरी तरह से। दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए रॉन्ग पिन एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक थीफ हूँ इस समय। मैं यहाँ पर रॉन्ग पिन एंटर कर रहा हूँ, देखिए अनलॉक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अनदर मैं एंटर करता हूँ, देखिए दूसरा अटैम्प्ट है मेरा, देखिए अनलॉक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तीसरा रॉन्ग अटैम्प्ट करता हूँ, देखिए मैं अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ये अनलॉक। देखिए अनलॉक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ये अनलॉक। ऐसे दोबारा अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अनलॉक नहीं हो रहा है। अब मैं राइट पिन एंटर करके इसे अनलॉक कर देता हूँ, फिर आपसे थोड़ी बातें करता हूँ। अब देखिए फाइनली अनलॉक कर लिया है मैंने अपने फ़ोन को, लेकिन कोई थीफ होगा वो अनलॉक नहीं कर पाएगा, किसी भी हाल में अनलॉक नहीं कर पाएगा। और आप वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए बेसिकली ये जो पोर्टल है यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंटीवायरस को, मतलब अपने पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर। देखिए ये माई डिवाइस है, यहाँ से आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करेंगे बहुत अच्छी तरह से। लोड हो रही है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए ये अलार्म का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने फ़ोन को स्क्रीम करवा सकते हैं, बेसिकली वो लाउड लाउड आवाज़ें निकालेगा जैसे अभी निकाल रहा था उसी तरह की आवाज़ें। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए लोकेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये रियल टाइम एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाता रहेगा। देखिए ये मेरी लोकेशन आ रही है इस समय जहाँ पर फ़ोन है। ऐसी चोर आपका जहाँ जहाँ लेकर के भागेगा इस फ़ोन को, आपको रियल टाइम लोकेशन मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जिसको भी इस ऐप की ज़रूरत है। और दोस्तों आज की डेट में हर कोई एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहा है, मुझे लगता है सबको इसकी ज़रूरत है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे इस ऐप की ज़रूरत ना हो। दोस्तों इंटेल का बनाया हुआ ये एंटीवायरस है, तो सबको ये एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहिए, बहुत ट्रस्टेड एंटीवायरस है, मैं कई सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये बैकअप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी डिवाइस का बैकअप बनाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए डिटेल्ड वीडियो, देखिए ज़्यादा बताऊँगा इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़रूरी चीज़ें सारी कवर कर दी हैं इस वेबसाइट के ऊपर डिटेल में, मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको वो सारी ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं आपको बताना। देखिए लॉक में आप जाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। दोस्तों वही ऑप्शन मिल रहा है, देखिए लॉक एंड अलार्म का ऑप्शन मिल रहा है और लॉक का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन रिंग ना करे, वो चीखने वाली आवाज़ें ना निकाले, तो आप सिर्फ लॉक कर दीजिए। आप चाहते हो चीखने वाली आवाज़ें निकाले तो आप लॉक एंड अलार्म पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए थीफ कैम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कैसे आपको फ़ोटो कैप्चर करवाना है उस थीफ का। दोस्तों इस पोर्टल के ऊपर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, आप लोगों के लिए ज़रूर बना कर लाऊँगा वो वीडियो। लेकिन आपको इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे कि आप दूसरा वीडियो चाहते हैं इसके पोर्टल पर, वायरलेसली फ़ोन को कैसे कंट्रोल करें इस पर वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे कमेंट करने पड़ेंगे, तभी बनाऊँगा मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो। दोस्तों यहाँ वाइप का ऑप्शन आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है, यहाँ से बेसिकली आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या फिर बैकअप एंड वाइप पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप भी बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसके लिए बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि चोर इंटरनेट क्यों चलाएगा हमारे फ़ोन पर या फिर उसके सिम में रिचार्ज नहीं होगा। दोस्तों एक बात बताइए, कोई चोर ऐसा सिम एंटर ही क्यों करेगा जिसमें रिचार्ज ना हो? ऑब्वियसली बात है ना, उस फ़ोन को यूज़ करना चाहेगा तभी तो अपना सिम एंटर करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर सिम के अंदर पैसे हैं या फिर कोई अनलिमिटेड वाला इंटरनेट का रिचार्ज है, जो कि आज की डेट में सभी रखते हैं, क्योंकि चोर को थोड़ी ना पता है कि ये जो फ़ोन है वो उसका चेहरा कैप्चर कर लेगा, उसका फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। दोस्तों ऐसा तो स्क्रीन पर कुछ आ ही नहीं रहा था लिख करके, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं रहा था, ये कोई अलर्ट ही नहीं दे रही थी ऐप।
तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पर भरोसा रखिए, मेरे चैनल पर भरोसा रखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, अभी मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, सॉरी मेल आईडी पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोकेशन आई है, किस तरह से फोटोज़ आए हैं उस चोर के, थीफ के। चलिए दोस्तों अब अपनी मेल आईडी ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मेल आया है, चोर का फ़ोटो कैसा आया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों आपको ये जो मेल आईडी लॉगिन करनी है अपनी, ये आपको अनदर फ़ोन में करनी है क्योंकि आपका फ़ोन तो चोरी हो गया होगा, लेकिन मेरे पास ये फ़ोन है इसीलिए मैं आपको इसी में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए इस अपनी जीमेल आईडी को ओपन कीजिएगा, देखिए लेटेस्ट मेल आया हुआ है 12:59 पर, इसे हम ओपन करते हैं, मैकेफी की तरफ से आया ये मेल, और ये मेल बेसिकली ये हमें बता रहा है कि आपका फ़ोन चोरी हुआ है। देखिए चोर का फ़ोटो आ चुका है, यानी कि मेरा फ़ोटो आ चुका है क्योंकि मेरे हाथ में ही था ये डिवाइस। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई चोर आपका फ़ोन चुराएगा और वो लाइट की कंडीशन में बैठा हुआ होगा, लाइट होगी उसके चेहरे के आसपास, ठीक है, घर के बाहर कहीं बैठा होगा, तो डेफ़िनेटली उसका फ़ोटो क्लियर आएगा। मैंने अपने कैमरे में इस वक्त मैंने अपने कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं की हुई है कि मेरा फ़ोटो साफ आ पाए। तो दोस्तों अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था मेरा वीडियो, तो बेसिकली जो भी सरकमस्टेंसेस थे, जो भी सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में ये फ़ोटो कैप्चर किया है। लेकिन अगर चोर का फ़ोटो ये कैप्चर करेगा तो साफ ही करेगा, ठीक है। देखिए दिस लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली लोकेशन आपको पता चलेगी कि किस लोकेशन पर है आपका फ़ोन रियल टाइम में। दोस्तों ये आपको अपडेट करता रहता है, आप अपनी वेबसाइट से, जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में मैकेफी की वेबसाइट, वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन को, रियल टाइम लोकेशन दिखाई देगी वहाँ से। देख सकते हैं ये जो लोकेशन इस समय दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल रियल लोकेशन है मेरे घर की, और चोर जहाँ पर भी लेकर के जाएगा आपके फ़ोन को, आपको वही लोकेशन दिखाई देगी। अभी ये लोकेशन मेरी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं अभी यहाँ से कहीं गया ही नहीं हूँ, और यही लोकेशन दिखाई देगी इसीलिए। सो दोस्तों जो टेक्निक मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, आपके जानने वालों के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि सारे ही लोग अपने फ़ोन पर थेफ्ट प्रोटेक्शन इंस्टॉल कर सकें और अपने फ़ोन को बचा सके चोरी होने से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।